आज हम बनाएंगे सेम के बीज की बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी। अक्सर आपने सेम की सब्जी बनाई होगी, बट क्या आपने सेम के बीज की सब्जी बनाई है? ये सब्जी इतनी ज्यादा स्वादिष्ट बनती है कि इसे खाने के बाद आप राजमा खाना भूल जाएंगे। जब भी आप मार्केट जाते हैं तो पकी हुई सेम देखकर छोड़ देते हैं, बट उसी पकी हुई सेम से हम आज बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनाएंगे। फ्रेंड, जब भी घर पे आप ये सब्जी बनाएंगे, सब आपकी तारीफ करेंगे और आपसे रेसिपी पूछेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ काजोल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एमके काजोल्स किचन में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर सेम का एक पेड़ है और इसमें काफ़ी सारी पकी हुई सेम लगी हुई है। ये सेम इतनी ज़्यादा पकी हुई है कि इसे आप छिलके के साथ नहीं बना सकते हैं। कुछ लोग ऐसी सेम देख कर छोड़ देते हैं या फिर फेंक देते हैं, तो इसे फेंके नहीं, क्योंकि इसकी बीज बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है और सेम में सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ मुझे सेम की बीज ही लगती है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जितनी पकी हुई सेम लगी थी वो सारी मैंने तोड़ ली है। अब इसे हम छील लेंगे और इसकी सारी बीज निकाल लेंगे। बीज देखने में ही बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही हैं, एकदम रंग बिरंगी है और मोती जैसी चमक रही हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से हम सारे बीज निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही हैं देखने में। ये इतनी अच्छी लग रही है कि इन्हें बनाने का मन ही नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सारी बीज निकाल ली है। ये वजन के हिसाब से 500 ग्राम होंगे, यानी कि आधा किलो। तो यहाँ पर मैंने बीज को अच्छे से वॉश कर लिया है। इसे वॉश करके रख लेना है आपको। वैसे तो ये अंदर रहते हैं तो क्लीन होते हैं, बट फिर भी एक दो बार इसे अच्छे से वॉश कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं। बट उससे पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज, 10 से 12 लहसुन की कलियाँ और 2 हरी मिर्च ली है। इन चीज़ों को मैंने रफली चॉप किया है। इसमें थोड़ा सा जीरा भी ऐड कर दिया। अब इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने थोड़ा सा दरदरा ग्राइंड किया है इसे। इसी के साथ हम इसमें 3 टमाटर ऐड करेंगे। देसी टमाटर से ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, तो यहाँ पर टमाटर को भी चॉप करके हम ग्राइंड कर लेंगे। टमाटर को भी हमें थोड़ा दरदरा ही ग्राइंड करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने टमाटर भी ग्राइंड कर लिए हैं। अब यहाँ पर मैंने कढ़ाई ली है। अब इसमें ऐड करेंगे हम 3 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल। आप इसकी जगह कोई भी कुकिंग ऑयल यूज कर सकते हैं। ऑयल को अच्छे से हीट कर लेंगे। इसके बाद इसमें आधी बारीक कटी हुई प्याज ऐड करेंगे और प्याज को सुनहरा होने तक भून लेंगे। जैसे ही प्याज सुनहरी हो जाए और इसमें से अच्छी सी स्मेल आने लग जाए, तभी आपको इसमें ग्राइंड करे हुए मसाले ऐड कर देने हैं। तो आप देख सकते हैं प्याज हमारी अच्छे से सुनहरी हो चुकी है। तो अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे जो हमने ग्राइंड करके रखे थे, और इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 मिनट मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे, हल्का सा सुनहरा होने तक। मसालों को हमें बहुत ही अच्छे से पकाना है। मसाले जितने अच्छे से पके होंगे सब्जी उतनी ही टेस्टी बनेगी। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे मसाले भी अच्छे से भुन चुके हैं। अब इसमें ऐड करेंगे हम आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर। लास्ट में ऐड करेंगे हम आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर या फिर गरम मसाला पाउडर। अब इन सभी मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 मिनट मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। जैसे मसाले अच्छे से पक जाते हैं, हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मसाले भी पक चुके हैं, इसका कलर एकदम डार्क हो चुका है। अब इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे जो हमने ग्राइंड करके रखे थे। आप इसमें कटा हुआ टमाटर भी ऐड कर सकते हैं। टमाटर को भी अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 मिनट मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। टमाटर जैसे ही अच्छे से पक जाएंगे, मसाले से ऑयल ऊपर आ जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने टमाटर को भी अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसे हम चलाते हुए ऐसे भुनेंगे। जैसे ही टमाटर अच्छे से पकने लग जाएंगे, ऑयल ऊपर आता जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मसाले से ऑयल ऊपर आ चुका है, यानी कि सारे मसाले और टमाटर अच्छे से पक चुके हैं। तो मसालों को एक बार ऐसे चला देंगे ताकि मसाले नीचे से चिपके नहीं। इसके बाद इसमें हम सेम की बीज ऐड करेंगे। थोड़ी सी बीज मैंने निकाली है क्योंकि मुझे ज़्यादा लग रही थी, तो मैं सोच रही थी इसकी सूखी सब्जी भी बनाऊंगी। तो चलिए पहले से हम मिक्स करके देख लेते हैं, अगर ये कम लगेगी तो मैं इसमें सारी बीज ऐड कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, ये सब्जी इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है ना कि चाहे जितनी बना लो, खाते टाइम ही कम पड़ जाती है। तो यहाँ पर मैंने सारी बीज ऐड कर दी थी क्योंकि मुझे लग रहा था फिर कम पड़ जाएगी। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो सारी बीज ऐड कर दी है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से करते हुए हम बीज को भी मसालों में 2 मिनट भुनेंगे। ज़्यादा देर भुनने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, गैस की फ्लेम आप लो टू मीडियम ही रखिएगा। 2 मिनट भुनने के बाद हम इसमें 1.5 ग्लास पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 ग्लास पानी ऐड किया। इसे अच्छे से मिक्स करके देखेंगे। आप चाहे इसे थोड़ी सी थिक भी बना सकते हैं। और आधा ग्लास पानी मैंने और ऐड किया है क्योंकि मैं थोड़ी सी ग्रेवी वाली बनाने वाली हूँ, जैसे आप राजमा बनाते हैं बिल्कुल उस तरह से।
आप चाहें तो इसे सूखी या फिर आलू के साथ भी इसी तरीके से बना सकते हैं। तो अब इसमें ऐड करेंगे हम 1.5 चम्मच नमक। नमक का अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं। नमक को भी अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद इसे ढककर 10 से 15 मिनट मीडियम टू हाई फ्लेम पर पका लेंगे। 5 मिनट बाद हम इसका ढक्कन हटाकर इसे एक दो बार ऐसे चला देंगे ताकि सारे बीज अच्छे से पक जाए। फ्रेंड्स, इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी रोस्ट करी हुई कसूरी मेथी। आप चाहें तो कसूरी मेथी मसाला पकाते टाइम ही ऐड कर सकते हैं, मसाले के साथ ही अच्छे से पक जाती है, बट मैं भूल गई थी इसलिए मैंने बाद में ऐड किया है। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इसे हम फिर से ढककर 10 मिनट पका लेंगे। तो फ्रेंड्स, 10 मिनट बाद आप देख सकते हैं हमारी सब्जी अच्छे से पक चुकी है और ग्रेवी काफ़ी थिक हो गई है और सब्जी में से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही। तो चलिए चेक कर लेते हैं बीज अच्छे से पक गई या नहीं। तो आप देख सकते हैं बीज हमारी एकदम अच्छे से पक चुकी है 15 मिनट में। तो अब हम गैस की फ्लेम ऑफ करेंगे और इसमें फ्रेश हरी धनिया के पत्ते ऐड करेंगे। हरी धनिया आपको गैस की फ्लेम ऑफ करने के बाद ही ऐड करना है। ऐसा करने से इसकी खुशबू लंबे समय तक बरकरार रहती है और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही आसान तरीके से सेम की फली की सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है और ये सब्जी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनी है। सच में ये देखिए लग रही है ना एकदम राजमे जैसी, बट ये राजमे से भी अच्छी बनती है और राजमे की तरह ना ही इसे उबालना पड़ता है, बहुत ही फटाफट ये सब्जी बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए इसे गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। इस सब्जी को आप गर्मा गर्म रोटी, पराठा, प्लेन राइस या फिर अपनी पसंद की किसी भी चीज़ के साथ सर्व करें, बहुत ही मज़ेदार लगेगी। सो आई होप फ्रेंड्स आपको रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना और ऐसी रेसिपीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, वो भी बिल्कुल फ्री में। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। सो मिलती हूँ फ्रेंड्स ऐसी एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।